बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में रविवार की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। अंतिम दिन चुनाव प्रचार को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी मैदान में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए बिहार पहुंचे। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार हर युवा की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक रोडमैप है। आत्मनिर्भर बिहार गांवों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का अभियान है। साथियों, आत्मनिर्भर बिहार यहां के हर युवा की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक पक्का रोड मैप है। आत्मनिर्भर बिहार यहां के गांव के सामर्थ्य को पहचान दिलाने का मार्ग है। आत्मनिर्भर बिहार गांवों में उद्यम के, रोजगार के अवसर तैयार करने का अभियान है। आत्मनिर्भर बिहार बिहार के गौरव, बिहार के वैभव को फिर से लौटाने का मिशन है। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर बिहार अभियान से यहां को मोती बटन से जुड़े उद्योगों को और प्रोत्साहन मिलना तय है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिनकी नीयत खराब हो, जिनकी नीति सिर्फ गरीबों का धन लूटने की हो, जो निर्णय सिर्फ अपने और अपने परिवार को ध्यान में रख कर लेते हो, वो विकास के हर प्रयास का विरोध ही करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब, यही करते रहते हैं। चुनाव पूरा हुआ, गरीब गरीब की जगह बस अपने परिवार का कुनबा लेकर के बैठ जाओ। भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे? इन्हें आपके विकास से नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के विकास से ही लेना देना है। यही इनकी सच्चाई है, यही इनका इतिहास है, यही उनके तौर तरीके हैं, यही इनकी ट्रेनिंग है। इसे बार सोच ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने साथ ही जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा कि जंगल राज वालों ने अगर कभी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ा नहीं होता। जो उद्योग राज में आने चाहिए वो भी इस जंगल राज के चलते सारी की सारी बंद हो गई है। आप याद करिए, जंगल राज की हालत तो ये थी कि जो उद्योग, जो चीनी मिले दशकों से चंपारण और बिहार का हम हिस्सा रही है, वो भी सारी की सारी बंद हो गई। पीएम मोदी ने कहा, आज बिहार प्रगति के जिस पथ पर है, वो बिहार का भविष्य और मजबूत करेगा, उसे और गौरवशाली बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। पुल बनाने के लिए कौन काम करेगा?